Good morning, everyone. In the previous video, we have already started chapter number 9, Harry ETL Evolution. So we have completed accumulation of variation during reproduction. Then we have seen heredity, inherited traits. Then rule of inheritance of traits and Mendel's contribution. We have seen in Mendel's contribution monohybrid cross and how to perform monohybrid cross. Then we have seen dihybrid cross. We have seen how to do dihybrid cross and what will be the genotypic and phenotypic ratio of a dihybrid and monohybrid cross. In this video, we are going to see how do these traits get expressed. Traits get expressed ka matlab, jab humne yahan pe do seeds liye the, jo round aur green thi, aur dusri seed li thi jo round aur wrinkled thi. तो ये जो सीड है ये येलो और राउंड कैसी हो गई, कौन सा ट्रेट एक्सप्रेस हुआ, या ये येलो कलर का ही ट्रेट एक्सप्रेस क्यों हुआ, ग्रीन कलर का क्यों नहीं हुआ, वी आर गोइंग टू सी इन दिस वीडियो. सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन इन द सेल. हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और हर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है. ये डीएनए कुछ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है जिससे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है. एक सेक्शन ऑफ डीएनए को हम जीन्स कहते हैं और ये जीन रिस्पॉन्सिबल होती है कि कौन सी प्रोटीन सिक्रीट होने वाली है उस सेक्शन में से, और जो प्रोटीन इसमें से रिलीज होगी उसके हिसाब से ये ट्रेट डिसाइड होता है कि आने वाली जो जनरेशन है उसके अंदर कौन से लक्षण होंगे या कौन सा कैरेक्टर होगा. सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है प्लांट की हाइट, तो जो प्लांट की हाइट है वो भी किससे रिलेटेड होगी, उस जीन डीएनए के सेगमेंट के अंदर. वो जीन या डीएनए का सेगमेंट जो है वो कुछ एंजाइम रिलीज करेगा और ये एंजाइम जो है कुछ प्रोटीन्स बनाएंगे. अगर वो एंजाइम इफेक्टिव है तो जो प्लांट है वो कैसा हो जाएगा, टॉल हो जाएगा. यानी वो अच्छे से वर्क कर रहा है, वो जिस चीज के लिए बना हुआ है तो प्लांट क्या होगा, टॉल हो जाएगा. लेकिन वो एंजाइम जो वो जीन या डीएनए बना रहा है वो इतना इफेक्टिव ही नहीं होगा, तो वो अपने कैरेक्टर को ही नहीं शो कर पाएगा, तो उस समय वो प्लांट कैसा रह जाएगा, शॉर्ट रह जाएगा. तो ये जो जीन है ये क्या कर रहा है, किसी भी कैरेक्टर को शो होने में या नहीं होने में हेल्प कंट्रोल करता है. So, कौन सा कैरेक्टर अपियर होने वाला है नेक्स्ट जनरेशन में, कौन सा नहीं होने वाला, ये डिपेंड कर रहा है उस जीन यानी उस डीएनए के सेगमेंट के अंदर. तो जो डीएनए या जो जीन अपना इफेक्टिवनेस शो कर देगा, प्रोटीन का सिंथेसिस उसमें से ज्यादा होगा, उसका एंजाइम बहुत एक्टिव होगा, तो उसके कैरेक्टर भी शो होने लग जाएंगे. और जो जीन या जो डीएनए का सेगमेंट इफेक्टिवनेस नहीं शो कर पाएगा तो उसके जो कैरेक्टर है वो भी उसके आने वाली प्रोजेनी में अच्छे से शो नहीं हो पाएंगे. तो ऑल इट डिपेंड्स अपॉन द सेगमेंट ऑफ दैट जीन डीएनए और ऑन दैट जीन. इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ सेक्सेस आर डिटरमाइन इन ह्यूमन. थैंक यू.